नमस्ते प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी बीटरूट के जूस से पेंटिंग की है? अगर नहीं की है तो आइए आज एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन पेंट करते हैं बीटरूट के जूस से। यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा बीटरूट है जो थोड़ा सा सूख गया है। आप कोशिश कीजिए कि आपको एक फ्रेश बीटरूट मिल जाए। उसे आप पीलर या नाइफ की सहायता से अच्छे से छील लीजिए। तो मैंने यहाँ पर ये बीटरूट पील कर लिया है और इसमें से आधा बीटरूट मैं एक ग्राइंडिंग जार में छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। एक बार ग्राइंड करने के बाद इसमें आपको थोड़ा सा पानी मिलाकर दोबारा ग्राइंड करना होगा ताकि हम इसका एक फाइन पेस्ट बना सकें। इसके बाद आपको एक बोल में एक स्ट्रेनर रख कर या कोई भी छन्नी रखकर इस पीसे हुए पेस्ट में से सारा जूस स्ट्रेन कर लेना है। और यहाँ पर हमारा पेंटिंग कलर बिल्कुल रेडी है, तो आइए इसे हम कुछ पेंट करने की कोशिश करें। यहाँ पर एक ड्राइंग शीट पर पहले पेंसिल की सहायता से हम बहुत लाइटली एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप अपने मनपसंद के डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और अब हम इसे पेंट करना शुरू करते हैं। पेंट करने से पहले मैंने अपने पास तैयार रखा है एक राउंड ब्रश, साफ पानी, ब्रश पोंछने के लिए एक कॉटन का कपड़ा। तो सबसे पहले मैं इन ट्रायंगल्स को पेंट करूंगी। मैं कोशिश कर रही हूं कि एक ट्रायंगल पेंट करने के बाद मैं इसके तुरंत बाद वाला ट्रायंगल ना पेंट करूं, कहीं दूसरी जगह का ट्रायंगल पेंट करूं, क्योंकि अगर हम आसपास के शेप्स एक साथ पेंट करते हैं जो कि अपनी बाउंड्रीज़ शेयर कर रहे हों, तो एक पार्ट का कलर दूसरे पार्ट में स्प्रेड होने का डर होता है। हालांकि यहां पर हम पूरी अपनी जो ड्राइंग है वो रेड कलर से ही पेंट करने वाले हैं, लेकिन हम इनमें तीन अलग अलग टोन्स अप्लाई करेंगे, लाइट टोन, मीडियम टोन और डार्क टोन। तो अगर हमने दो ऐसे शेप्स साथ में पेंट किए जो कि बाउंड्री शेयर कर रहे हैं या फिर वॉल शेयर कर रहे हैं, तो डार्क टोन जो आपने लगाई है वो लाइट वाली टोन को भी डार्क कर सकती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग शेप्स को अलग अलग समय पे पेंट करें ताकि वो एक दूसरे में मिक्स ना हो। तो सबसे पहले हम जो सारे ट्रायंगल्स हैं उनको लाइट कलर में ही पेंट करेंगे, और अगर आप उसे मीडियम टोन में या फिर डार्क टोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको हर पिछली लेयर के सूखने का इंतज़ार करना होगा। मैंने रैंडमली अलग अलग ट्रायंगल्स में कुछ लाइट और कुछ मीडियम टोन्स में कलर फिल कर दिया है, लेकिन अगर मुझे उसे डार्क टोन में कन्वर्ट करना है तो पहले मुझे पिछली वाली लेयर के पूरी तरह से सूख जाने का इंतज़ार करना होगा, और जब वो लेयर सूख जाती है तब हम उस पर अगली लेयर चढ़ाएंगे, और उसे अगर उससे भी डार्क करना है तो फिर उसके सूखने का इंतज़ार करेंगे और उसके सूखने के बाद ही अगली लेयर चढ़ाकर उसे और डार्क करेंगे।
तो इस तरह से मैंने सारे ट्रायंगल्स रैंडमली लाइट मीडियम और डार्क टोन्स में पेंट कर लिए हैं। अब जो अंदर के सर्कल्स हैं उनको मैं बाउंड्रीज से डार्क में पेंट करते हुए सेंटर की तरफ धीरे धीरे लाइट करूँगी। आपको जहाँ पर भी डार्क टोन को लाइट करना हो आप पानी का इस्तेमाल करके उसे लाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पेंटिंग पूरी तरह से ड्राई हो गई है, तो अब एक ब्लैक स्केच पेन या फिर एक सीडी मार्कर की सहायता से मैं इसके आउटलाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर सकती हूँ। तो मैं इस सीडी मार्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ इसके आउटलाइंस को ट्रेस करने के लिए, जो कि वाटरप्रूफ होती है। तो मान लीजिए इसके बाद भी मुझे कहीं पर अगर डार्क टोन बढ़ानी है तो मैं बढ़ा सकती हूँ। अगर आप स्केच पेन से आउटलाइन कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी पेंटिंग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हों तभी आउटलाइन ड्रॉ करें, क्योंकि अगर उसके बाद आपने कहीं पर भी डार्क टोन लगाई तो आपका स्केच पेन जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन रेडी हो गई है। तो आप भी अपनी मनपसंद डिज़ाइन ड्रॉ कीजिए और बीट रूट से उसे ब्यूटीफुली पेंट कीजिए और अपनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन मेरे साथ शेयर कीजिए मेरी मेल आईडी shikha@zinix.net पर। तो मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग असाइनमेंट के साथ। तब तक सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।